ये है जनाब कैफे आबशार होटल। ये पार्किंग है और ये लास्ट पक्का ट्रैक पॉइंट है, पक्की सड़क का। इसके आगे सारा कच्चा इलाका है जो कि यहाँ से आप यूँ जाएंगे तो कच्चा सड़क शुरू हो जाएगी और 45 मिनट 4x4 के कच्चे ट्रैक के ऊपर चल के आप वली तंगी डैम जो है वो पहुँच जाएंगे। वहाँ पे अंदर जाने के लिए डैम के एरिया में आपको इजाज़त चाहिए होगी, पर्ची वो आपको मिलेगी क्वेटा कैंट से, और वो होगी तो फिर आप डैम की तरफ जा पाएंगे, और अगर वो नहीं है तो फिर आप बस वहाँ से वापस आ जाएं, और अगर आप 4x4 पे नहीं हैं तो फिर आप यहीं पे आबशार होटल की आबशार पे एंजॉय करें। यहाँ पे पकोड़े स्नैक्स वगैरह, एक तो ये आबशार होटल है, एक और वो होटल है, खा पी के थोड़ा सा एंजॉय करके और आप निकल जाएं। ये है जनाब कैफे आबशार होटल। ये इनके पास खाने पीने की चिकन बोटी है, बॉइल्ड एग है, और प्राइस ये सामने पार्किंग है और वहाँ से रास्ता जो है वो उस तरफ जाता है बली तंगी डैम। जी जनाब सीटिंग बनाई हुई है, अब वो आबशार आप देख सकते हैं। तो इस आबशार के नाम पे है भाई ये कैफे आबशार होटल, और यहाँ तक कैफे आबशार होटल तक पक्का ट्रैक है, तो यहाँ पे आप अपनी गाड़ी लेके आ सकते हैं। लेकिन इससे आगे जो है वो कच्चा ट्रैक है, वो 4x4 जा सकती है वहाँ पे, और दूसरी गाड़ी जो है वो आम सेडान वगैरह नहीं जा सकती। लोकल गाड़ियाँ जो फील्डर या प्रो बॉक्स टाइप हैं वो मकामी चलाएँ, क्योंकि वो ट्विक की भी होती हैं,
तो वो तो चली जाएंगी। यहाँ से कच्चा पैच शुरू हो जाता है और तकरीबन 45 मिनट का रास्ता है। वो 45 मिनट का रास्ता 4x4 पे तय करके आप पहुँच जाएंगे वली तंगी डैम पे। वली तंगी डैम पे आपको जो है वो चेक पोस्ट को क्रॉस करने की जो पर्ची है वो क्वेटा कैंट से मिलेगी, तो वो लेके जानी होगी वरना वो आपको अंदर डैम में जाने नहीं देंगे, डैम के एरिया में। या फिर ये कोई मुकामी जो है वो आपकी सिफारिश करे। मुकामी का मतलब ये कि इस इलाके का मुकामी, वली तंगी का या इसका हन्ना उड़क का भी, तो आप जा सकते हैं।